इसाक डार ने कहा है कि खुशखबरियां हैं, आईएमएफ की हमने सारी शर्तें पूरी कर ली हैं, एक दो दिन में आ जाएगा पैसा। हमने तो उनसे कह दिया है कि हमें 1.2 बिलियन नहीं, अब तो 2.6 बिलियन चाहिए पूरे के पूरे, और वो 2.6 बिलियन जल्दी दो भाई। बदमाशी भी भीख भी बदमाशी से लेनी है। शहबाज शरीफ पेरिस गए इस उम्मीद पे कि इतने दयालु लोग इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं तो कोई तो भीख दे देगा, किसी ने घास तक नहीं डाली। थर्सडे को वापस आया है, 6 दिन में 4 बार उसको फ़ोन कर चुका है, खुद कह रहे कि मैंने 4 बार पिछले 6 दिन में क्रिस्टलीना जी को फ़ोन किया और उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ थोड़ा कुछ कर दो, मुझे उम्मीद है कि वो कर देगी। मैंने उनको कहा कि देखें, इसाक डार और उनकी टीम ने आपकी सारी शर्तें पूरी कर दी। ये जो पाकिस्तान का और आईएमएफ का जो एक रिश्ता है, जो एक नूरा कुश्ती है, वो देख के बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान ने, एकदम होता ना एकदम सरफिरे आशिक के तरीके, क्या क्या नहीं किया, सब कोशिशें कर डाली। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कुछ छोड़ रखा हो पाकिस्तान के मुताबिक, जैसा कि ये लोग कहते हैं। इमरान खान का कहना है कि आईएमएफ का कहने पर उसकी सरकार गिरा दी गई, उसमें कितना सच है कितना झूठ इसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा टैक्स बढ़ाना, बिजली के दाम बढ़ाना, पेट्रोल को महंगा करना, जो जो आईएमएफ कहता गया वो ये करता, अपना स्टेट बैंक तक उनको बेचती है। स्टेट बैंक यानी कि जो इनका सेंट्रल बैंक है, जो इनकी इकोनॉमी को रेगुलेट करता है, वही बेच दिया पूरी तरीके से, उसको आईएमएफ करा देती है। लेकिन उसके बाद भी 6 किश्तों में भी 3 किश्तें बची हुई हैं जो पाकिस्तान को मिलनी थी, वो 3 किश्तें तो क्या ही, जो चौथी किश्त है वही मिलती हुई नजर नहीं आ रही। पिछले 8-10 महीनों में इनको, यानी कि पिछले जुलाई के या अगस्त के महीने में इनको किस्त मिली थी तीसरी, उसके चौथी किस्त तब से नाक रगड़ रहे हैं, अब तक हाथ में इनके ठेंगा भी नहीं है। जब आईएमएफ का मिलेगा तब इनको, बाकी सब मिलेगा तो इसलिए कुछ भी नहीं मिल रहा इनको। इनके कफील मोहम्मद बिन सलमान ने उसके साफ कहा कि खलास खलास या हबीबी खलास, वहां पे इनकी आंखें चमक गईं। आह, क्रिस्टलीना जियोर्जीवी मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ पहुंच गए। मैडम 5 मिनट के लिए कमरे में, कहती है नहीं भाई, तुम कमरे में आके वही हाथ पांव जोड़ोगे, पैसे दो भाई। हमारी टीम ने साफ मना कर दिया है, तुम लोग क्वालिफाई नहीं करते हो, बहुत समझाया, मना कर दिया। शर्तें क्या पूरी की, $215 बिलियन का टैक्स बढ़ा दिया, किसके ऊपर, सैलरी वाले के ऊपर, मतलब जो सैलरी वाले यानी इम्प्लॉयज हैं, जो नौकर हैं, नौकरियां करते हैं, उनके ऊपर सारा टैक्स का बर्डन डाल दिया। अब पाकिस्तान में आवाम वैसे ही भूख मर रही है बेचारी, वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि यार हम तनख्वाह वालों के ऊपर ही टैक्स बढ़ा रहे हैं तुम्हें। मतलब टोटल फायदे जितने हैं वो अमीर कम्युनिटी एलिट क्लास, और टोटल बर्डन जो है वो गरीब लोगों के ऊपर। ये आपका पाकिस्तान है। अब इन्होंने पैसा कमाने के लिए इन्होंने कहा कि माल बेचो। अब माल क्या है इनके पास, माल इनके पास है कि सिंध थर का कोल, थर का कोल अब निकाल निकाल के तो खा गए हो सारा। आप यकीन माने पाकिस्तान में जागीरदार कितने अमीर हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर टैक्स है ही नहीं, सिरे से एग्रीकल्चर टैक्स है ही नहीं, जो कि खाली एग्रीकल्चर टैक्स डालते हैं। आप यकीन माने पाकिस्तान का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस रियल इस्टेट है, ये बहरिया टाउन, DHA, ये सब टैक्स ही नहीं है, रियल इस्टेट टैक्स। लाहौर और कराची के एयरपोर्ट बेचने की बहुत कोशिश की आउटसोर्स करने की, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं, इसलिए कि वो सिक्योरिटी टीमें चेक करने आई थी, पता चला कि आधे से ज़्यादा एयरपोर्ट लाहौर और कराची तो आर्मी के कब्ज़े में है। आर्मी अपना कब्ज़ा, जैसे आर्मी अपना बजट नहीं छोड़ रही, ऐसा आर्मी जिस जिस चीज़ पे कब्ज़ा है वो छोड़ने को तैयार नहीं। आधा पौना एयरपोर्ट दे रहे थे हिस्सों में, जो लेना चाह रहा है वो कह रहा है हम इन एयरपोर्ट्स को टोटली कमर्शियल बुनियाद पर चलाना चाह रहे हैं, इसलिए हमें पूरा एयरपोर्ट चाहिए। लाहौर और कराची की तकरीबन सर्विसेज में PIA डिफॉल्टर है, फिर भी चल रही है कि फिर गवर्नमेंट की एयरलाइन है, तो वो कह रहे हैं ऐसे डिफॉल्टर एयरपोर्ट लेके हम क्या करेंगे, मना कर दिया सब ने। तो इन्होंने अब इस न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट अगस्त में वो पूरा
अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा कि अगस्त के बाद कोई आके ले ले। अब इन्होंने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई पार्टियों को कहा गया है, इमारात जो है यूनाइटेड अरब इमारात, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन अभी उनकी टीमों ने आके विजिट करना है, फिर पता चल जाए। कराची पोर्ट बेचने के लिए निकले, पूछा भाई ये तो चाइना के पास हैं, सारी मेन बर्थें तो चाइना को दी हुई हैं, कोई लेने को तैयार नहीं। केटी बंदर, पोर्ट कासिम, ऑयल एंड गैस फील्ड्स, सब में दरअसल आर्मी के शेर हैं निकालने में, लूटने में। वो कह रहे हैं भाई अभी स्टील मिल। इसी तरह बलूचिस्तान, ग्वादर पोर्ट, अबे चाइना ने डेवलप की थी एक एग्रीमेंट के साथ, चाइना के पास हैं सारे राइट्स। इसलिए कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट इसलिए बच गए कि एक तो पीआईए जाहिर है लोकल एयरलाइन जो होती है ना, वो और वो भी स्टेट ओन्ड है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एयरलाइन है, तो वो जाहिर है उसके मेन एयरपोर्ट्स ये हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो कराची लाहौर एयरपोर्ट में पीआईए डिफॉल्टर है ज़्यादातर चीज़ों में, क्योंकि कई सर्विसेज होती है ना एयरपोर्ट पे, टैक्सिंग होती है प्लेन के खड़े करने की, पार्किंग की होती है, आप उसको माल उतारने ले जाने की सहूलतें, ये वो एयरपोर्ट पे हर एयरलाइन अपना हिसाब किताब देता है। दुनिया में इंजीनियर होते हैं, एक इंजीनियर है सुंदर पचाई, वो गूगल बनाता है, एक इंजीनियर है मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, मतलब, और एक हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर हैं, इंजीनियर ये अली मोहम्मद भाई, ये मज़हब बेचता है, माल खूब बना रहा है, नो डाउट, महीने के करोड़ों कमा रहा है, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, बैठ कर माल बना रहा है, मज़ेदार कहानियाँ सुनाता है। उसमें ज़ाहिर है आपको माल बेचना है तो आपको कभी कभी लाइन भी क्रॉस करनी पड़ती है, तो ये कभी कभी बंद लफ्ज़ों में कोई आर्मी के ख़िलाफ़ ये वो, कभी सुन्नियों को खुश करता है, कभी वाबियों को खुश करता है। पाकिस्तान एक खास मकसद के लिए बना है, ये को अल्लाह का खास फजल है, इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होगा, और छोड़ दो ये सारी आप कहानियां ना 1971 में भी करवाते थे, बांग्लादेश बन गया, हाँ आपकी कुरूते नाजला धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था ना, बल्कि पाकिस्तान बनाने वाले वो लोग थे। और जी पाकिस्तान पे अल्लाह का ऐसा फजल है जो आता है खाता है, लेकिन मुल्क में कुछ नहीं होता। जी उन लाख पता क्या थे, हाँ और ऐसी वो अंदर सारी खराबी सी, वो आखिरी टाइम ही पता लगता है कि फोर्थ स्टेज का कैंसर हो चुका है। वो दीमक भी जब दरख्त को चाटती है ना तो बाहर एक हल्की सी छाल रह जाती है, वो एंड में जाके पता चलता है वो खाया जा रहा था। इस बार आईएमएफ के सामने झोला फैलाते हुए नजर आए हैं ये पाकिस्तानी। इस बार फिर से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि पूरी उम्मीद में रहते हैं, बराबर लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करके, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करके पैसा मिल जाए, कहीं से डॉलर मिल जाए, अभी चाइना से मिला है, चाइना से जो मिला भी वो गया कहाँ किसी को खबर नहीं, भनक तक नहीं लगी कि उससे हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा पाकिस्तान के अंदर बजट बनता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं, इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है, पूरे देश अपना समय खराब करता है, बजट आप बनाते ही क्यों हैं जब आपका जो रेवेन्यू है सरकार के रेवेन्यू क्या है, पाकिस्तान के अंदर सरकार टैक्स वसूलती है, टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया है जो कि भारत में भी, मैं आपको बार बार ये बात कहता रहता, भारत के अंदर भी समस्या हो सकती है, पाकिस्तान जैसे देशों में, दुनिया के कई देशों में टैक्स जहां हद से ज्यादा बढ़ा दिया वहां पर प्रॉब्लम आती है। फिर वो टैक्स आप ज्यादा, आप सोचो ना कि किसी की कमाई का 20% 30% आप ले लोगे तो फिर वो चोरी करता है और ऐसी चोरी करता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहीं आप 10% लो किसी की कमाई का, 15% लो, 18% तक ले लो तो वो आदमी झेल देगा, चलो ठीक है 18% देना दे दूंगा, लेकिन अगर 30-40% की बात करोगे तो वो ठेंगा दिखाने की बात करता है। फिर भारत में भी यदि आप अमीर हैं, यदि आप थोड़ा सा अच्छा कमाते हैं तो अच्छा कमाना इस देश में पाप है, नौकरी से कमाते हैं तब तो आपकी जिंदगी बहुत खराब है। इस पर हम लोग कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बिजनेसमैन तो कैसे टैक्स को मैनेज कर सकते हैं,
लेकिन यदि कोई है जिसका फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है साल का, उसको 50 लाख का अगर 1 करोड़ का पैकेज है तो उसको 60 लाख 65 लाख ही बचेंगे, और प्लस उसको और टैक्स देना है। बिजनेसमैन गाड़ी खरीदेगा तो उसको एक्सपेंस में दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे कोई जॉब वाला खरीदेगा तो उसको वैसे भी इनकम टैक्स देना है, गाड़ी पे भी टैक्स देना है, तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पाकिस्तान ना बने इसके लिए बेहतर है हमारे देश में टैक्स की व्यवस्था अभी भी सुधारी जाए, जिससे कुछ नहीं सुधार। पर पाकिस्तान की फिर से हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि अब पब्लिक टैक्स देने को नहीं तैयार, पब्लिक बहाने ढूंढती कहाँ पर टैक्स चोरी हो सकता है, कहाँ कहाँ पर टैक्स की चोरी करो, सब कुछ घुमा फिरा के चिपका दो, और कहाँ से रेवेन्यू होगा, पेट्रोल में आप लॉस करते हो, आप बिजली में आप लॉस करते हो, हर जगह आपके यहाँ पे लॉस ही लॉस है, टैक्स के अलावा कोई और ढंग का इनका व्यवस्था है नहीं, तो बजट है नहीं, खर्चा करोगे कहाँ से। सर कराची में कचरा उठाने का वैसा नहीं, अरे बिजली नहीं दे पा रहा है, पानी नहीं दे पा रहा है, बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, तो आखिर बनेगा क्या ऐसे देश का।